अच्छा स्टूडेंट्स, क्या हाल है भाई? स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लेक्चर नंबर 2 है ये। पहले लेक्चर में हमने ये देखा था कि एम क्या है या ग्रेडियंट क्या है, और अब ये हमारा जो है वो सेकेंड लेक्चर है, दूसरा लेक्चर है। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि सी क्या है, यानी कि वाई इंटरसेप्ट जो है वो क्या चीज़ है। लेट से कि मैं यहां पर वाई और एक्स एक्सिस बनाता हूं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, सेंटर में वाई और एक्स दोनों जीरो होता है। उसके बाद लेट से ये टू है, ये फोर है, ये -2 है, एंड सो ऑन। इस तरह ग्राफ बना हुआ होता है, यहाँ पर भी 2, 4, -2, -4, और मैं एक स्ट्रेट लाइन बना देता हूँ कुछ इस तरह से। थोड़ा सा नीचे हो गई है लाइन, आप एज्यूम करो ये यहाँ 2 से गुजर रही है, यानी कि ये जो स्पेसिफिक पॉइंट है ये है 0, 2, बिकॉज यहाँ पर x 0 है, y 2 है। अब जहां पर एक स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कट करती है, इस केस में 2 पर, तो ये हमारे सी की वैल्यू होती है, यानी कि सी या वाई इंटरसेप्ट कितना होगा, 2। मैं वापस से एक और एग्जांपल बता देता हूं। अगेन वाई एक्सिस है और एक्स एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। मैं यहां पे एक पॉइंट्स लगाता हूं, लेट से 2, 4, -2, -4, सेंटर में 0 होगा, 2, 4, 6, -2, -4, और एक लाइन बनाता हूं इस तरह से। अब ये लाइन कहां से गुजर रही है, 0, 4 से, तो सी क्या होगा, 4 होगा। सी क्या होता है, वाई की वो वैल्यू जहां पर एक स्ट्रेट लाइन जो आप बना रहे हो वो वाई एक्सिस को कट करे, किसको कट करे, वाई एक्सिस को कट करे, यानी कि ये वाला पॉइंट या ये वाला पॉइंट, ठीक है। तो सी क्या है, सी कहलाता है वाई इंटरसेप्ट। एक और एग्जांपल देख लेते हैं जिसमें हम वाई इंटरसेप्ट की भी बात कर लेते हैं और एक्स इंटरसेप्ट की भी, और फिर आगे चलते हैं। वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, -1, -2, -3, -4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4, -5, और एक लाइन बनाता हूं इस तरह से, ये पॉइंट होगा 0, 2, ये वाला पॉइंट होगा -2, 0, बिकॉज यहां पर x -2 है, y 0 है, x एक्सिस पर y 0 होता है, x एक्सिस पर y 0 होता, y एक्सिस पर x 0 होता, ठीक है। नाउ c क्या होगा, c होगा हमारा 2, यानी कि y की
वो वैल्यू वाई इंटरसेप्ट पर, वाई इंटरसेप्ट पर वाई की वैल्यू, ये कि स्ट्रेट लाइन है, ये पॉइंट वाई इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि वो जगह जहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन वाई एक्सिस को कट करेगी। येल्लो से मैंने वाई एक्सिस बनाई है, ग्रीन और येल्लो कट कहाँ कर रहे हैं, जिस पॉइंट पे कर रहे हैं वो 0.2 है और उसका वाई कितना है, 2 है। अच्छा ये जो पॉइंट है ना ये कहलाता है एक्स इंटरसेप्ट। ठीक है भाई, तो यहां पर हमने पढ़ लिया कि सी क्या है। अच्छा अब और आगे बढ़ते हैं, वाई और एक्स एक्सिस बनाए, एक स्ट्रेट लाइन बनाई, लेट से ये वाला पॉइंट है 2.6 और एक और पॉइंट है 4 और यहां पर हम लिख देते हैं 8। ठीक है, स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। किसी भी स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। किसी भी स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। m क्या है, ग्रेडियंट, c क्या है, y इंटरसेप्ट। अब कोई मुझे ये बोलता है कि यार ये जो आपने ब्लू कलर से लाइन बनाई है ना इसका इक्वेशन बताओ, तो इसका इक्वेशन बताने का मतलब ये है कि मुझे दो चीजें चाहिए, एक तो m चाहिए और एक तो c चाहिए। सबसे पहले देखते हैं m कैसे मिलेगा। देखो हमें ये पॉइंट पता है, a पॉइंट लेट से ये है 2.6 और हमें ये पता है ये b पॉइंट है और ये हमें पता है 4.8। m जो है वो बराबर होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब आपके पास जो a है जो कि 2.6 है और जो b है जो कि 4.8 है, इसमें से आप किसी भी एक चीज को x1, y1 ले लो और किसी भी एक चीज को x2, y2 ले लो। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ले लेता हूँ x1, y1 और मैं इसको ले लेता हूँ x2, y2। अगर मैं m कैलकुलेट करूंगा तो m होगा y2 विच इज 8 माइनस y1 विच इज 6 डिवाइडेड बाय x2 विच इज 4 माइनस x1 विच इज 2। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं 8 माइनस 6 इज 2, 4 माइनस 2 इज 2, m कितना आएगा 1 और ये अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है तो m पॉजिटिव आना चाहिए। यानी कि इस इक्वेशन को हम पार्शियली यूं भी लिख सकते हैं, y इज इक्वल्स टू 1x प्लस c या y इज इक्वल्स टू x प्लस c। अब c की वैल्यू कैसे आएगी, देखो अगर आपको m पता चल जाता है और आपको यहां पर पता है m जो है ना वो 1 है, यानी कि y इज इक्वल टू x प्लस सी हो गया। अब c ढूंढने के लिए क्या करोगे, गौर से सुनना, कोई भी एक पॉइंट पिक करोगे या तो 2.6 या तो 4.8, कोई भी एक पॉइंट पिक करोगे। फॉर एग्जाम्पल तुम 2.6 कर लो, 4.8 भी कर सकते हो और इस इक्वेशन में x की जगह x की वैल्यू यानी कि 2 और y की जगह y की वैल्यू यानी कि 6 पुट इन करो और c ढूंढ लो, c कितना होगा 4। तो अगर कोई इस ब्लू वाली लाइन का मुझसे इक्वेशन पूछेगा तो वो इक्वेशन होगा जनरल फॉर्म, तो वैसे क्या होती है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी
लेकिन यहां पर इक्वेशन होगा वाई इज इक्वल्स टू वन एक्स प्लस फोर, ये मेरा आंसर होगा। अब सर ये इक्वेशन बताता क्या, ये इक्वेशन ये बता रहा है कि इस इक्वेशन में m1 है, विच मीन्स के लाइन जो होगी ना वो अपवर्ड स्लोपिंग होगी। ये इक्वेशन पहली चीज बता रहा है कि जो लाइन होगी ना वो अपवर्ड स्लोपिंग होगी, डाउनवर्ड स्लोपिंग नहीं होगी, अपवर्ड स्लोपिंग होगी। और इस लाइन का जो y इंटरसेप्ट है वो c होगा, यानी कि ये लाइन y एक्सिस को, सॉरी y इंटरसेप्ट जो है वो c होगा, यानी कि 4 होगा, यानी कि ये लाइन y एक्सिस को 4 पर कट करेगी, विच मीन्स कि ये वैल्यू 4 होगी। ठीक है, अच्छा अब एक और इसी तरह से हम इक्वेशन लिखी हुई जो है उसका ग्राफ या उसका डायग्राम बनाते हैं। लेट्स से एक इक्वेशन है वाई इज इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस फाइव, इसको अगर मैं कंपेयर कर लूं वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो m कितना है 3 है, c कितना है 5 है, विच मीन्स कि अगर कोई ये पूछता कि इसका ग्राफ बनाओ तो मैं x और y एक्सिस बनाता हूं, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5 का ग्राफ कैसे बनता, c 5 है, तो लेट से अगर मैं ये लिखता हूं 2 4 6, तो ये लाइन जो है ना वो एक बात कंफर्म है यहां से गुजरेगी, 4 और 6 के बीच में 5 आएगा, c इज इक्वल्स टू 5 से गुजरेगी। लाइन का ग्रेडियंट पॉजिटिव है, यानी कि अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होगी, यानी कि कुछ रफली यूं जा रही होगी लाइन, ऊपर जाती हुई लाइन क्यों बनाई, बिकॉज m जो है ना वो 3 है और 3 जो है वो पॉजिटिव है, therefore लाइन अपवर्ड स्लोपिंग होगी, और c 5 है यानी कि ये लाइन y एक्सिस को कहां कट करेगी, जहां पर y 5 हो, और फिर ये लाइन जो है वो आगे चलती रहेगी। ठीक है, अच्छा अब और चीजें देखते हैं इस लाइन में, देखो यहां पर x 1 होगा, यहां पर x 2 होगा, यहां पर x 3 होगा, फॉर एग्जाम्पल यहां पर लाइन पर x क्या होगा 1 होगा, y कितना होगा 6 होगा सर, नहीं 6 नहीं होगा, ये तो लाइन मैंने हाथ से ड्रॉ की है ना, व्हाट इफ के मैंने लाइन यू ड्रॉ की होती, व्हाट इफ के मैंने लाइन यू ड्रॉ की होती, तो जनाब अब हमें ये डिस्कस करना है कि अगर कोई लाइन हो तो उसकी प्रॉपर प्लॉटिंग कैसे होती है। इसी लाइन की एग्जांपल ले लेते हैं, मैं एक टेबल बनाता हूं एक्स और वाई का, एक्स की कुछ वैल्यूज लिखते हैं, लेट्स से -1 0 1 2 3, और वाई की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यूज लिखते हैं। अच्छा इक्वेशन क्या है, वाई बराबर है वाई इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5, y बराबर है या y इक्वल है, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5, y इज इक्वल्स टू 3x प्लस 5, y जो है वो 3x प्लस 5 के बराबर है, तो अब कॉरेस्पॉन्डिंग ये जो y की वैल्यूज होंगी ये कैसे आएंगी जरा देखते हैं। जब x माइनस 1 होगा तब y कितना होगा ये मालूम करने के लिए y इज इक्वल्स टू 3, x की जगह लिखा माइनस 1 प्लस 5, तो ये बन जाएगा माइनस 3 प्लस 5 इज 2, यहां पे 2 लिख दिया। अच्छा जब x 0 होगा y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 0 प्लस 5, यानी कि 5, यहां पर 5 लिख दिया, यानी कि जब x 0 है y कितना है 5। अच्छा जब x 1 होगा y इज इक्वल्स टू 3 1 प्लस 5 8,
यहाँ पे रेट लिख दिया। अच्छा जब y एक्स टू होगा तो y इज इक्वल्स टू 3 2 5, 3 2 6, 6 प्लस 5 इज 11, यहाँ पर 11 लिख दिया। अच्छा जब x 3 होगा y इज इक्वल्स टू 3 into 3 9 प्लस 5 which is 14, यहाँ पर 14 लिख दिया। यानी कि जब इस लाइन पर x माइनस 1 होगा y 2 होगा, जब इस लाइन पर x 0 होगा y 5 होगा, जब इस लाइन पर 1 होगा x y 8 होगा, x 2 y 11, x 3 y 14। नाउ मैं यहां पर ये x एक्सिस बनाता हूं और ये y एक्सिस बनाता हूं। y की कुछ ज्यादा वैल्यूज चाहिए होंगी, ऊपर तक ले जाते हैं। लेट से ये है, इसको हम कर देते हैं 2 4 6 8 10 12 14। अच्छा आप लोग कोशिश करना कि स्केल के साथ प्रॉपरली इस ग्राफ को बनाओ ताकि चीजें क्लियर हो, ठीक है। वाई की मैंने वैल्यूज लिख दी 2 4 6 8 10 12 14। एक्स की कुछ वैल्यूज लिखता हूं 2 4 6 8 -2 -4 -6 -8, ठीक है। मैं कोशिश करता हूं कि ग्राफ प्रॉपर बनाऊं, लेकिन क्योंकि फ्री हैंड बना रहा हूं तुम लोग ये कोशिश करना कि ग्राफ जो है वो ग्राफ पेपर पर बनाओ या बहुत देखकर बनाओ। अच्छा जब x -1 है तब y कितना है 2 है, विच मीन्स के -1 यहां कहीं होगा, -1, 2, यानी कि ये यहां ये पॉइंट हो गया। फिर जब x 0 है y 5 है, यहां पे y 5 होगा। फिर जब x 1 है y 8 है, 1 यहां कहीं होगा 1, 8। फिर जब x 2 है y 11 है तो 2, 11 यहां कहीं होगा, ठीक है ना। 2 से अगर मैं ऊपर जाऊं तो मुझे 2 से ऊपर जाकर लेफ्ट साइड पे 11 देखना। इसी तरह से 3, 14, 3 यहां कहीं होगा और 14 यहां कहीं होगा, ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगी रफली। ठीक है। अच्छा देखो इस लाइन का y इंटरसेप्ट कितना था 5, तो देखो ये लाइन जो बनाई है हमने ये y एक्सिस को वहां पर कट कर रही है जहां पर y 5 है, ये एक चीज हो गई। इसके बाद सर ग्रेडियंट क्या बताता है, अब ये देखते हैं। देखो ग्रेडियंट कितना है 3। मैं एक बात दो बार बोलूंगा, ग्रेडियंट वही बात बताता है और फिर उसको अंग्रेजी में भी लिख दूंगा। ग्रेडियंट हमें यह बताता है कि अगर x एक से चेंज होगा तो y कितने से चेंज होगा। ग्रेडियंट हमें यह बताता है कि अगर x एक से चेंज होगा तो y कितने से चेंज होगा। ग्रेडियंट हमें यह बताता है कि अगर x में एक का चेंज आएगा, 1 का चेंज आएगा, फॉर एग्जाम्पल x अगर -1 से 0 हो जाएगा एक का चेंज, तो y कितने से चेंज होगा। y 2 से 5 पर जा रहा है, कितने का चेंज हो रहा है 3 का, यही मेरा ग्रेडियंट है। अगेन अगर ग्रेडियंट एक से चेंज होगा, यानी कि सॉरी x एक से चेंज होगा 0 से 1 पर चला जाए, तो y 5 से 8 पर जा रहा है, कितने से चेंज हो रहा है 3 से।
अगेन अगर एक्स एक से चेंज हो जाए, वन से टू पर चला जाए, तो वाई किधर जाएगा, एट से इलेवन पर, थ्री से इंक्रीज। अगेन अगर एक्स है वो दोबारा से एक से इंक्रीज हो जाए, चेंज हो जाए, यानी कि टू से थ्री पर चला जाए, तो वाई इलेवन से किधर चला जाएगा, फोर्टीन, कितने का चेंज, थ्री का चेंज। और थ्री ही तो हमारा ग्रेडियंट है, यानी कि हमें एम, हमें ग्रेडियंट ये बताता है कि एक्स में अगर एक का चेंज आएगा, वन से अगर एक्स चेंज होगा तो वाई कितने से चेंज होगा। और यहां पर अगर एम थ्री है तो उसका यह मतलब है कि अगर आप एक्स को एक से चेंज करोगे तो वाई में तीन का चेंज आएगा, और ऐसा इस चार्ट से नजर भी आ रहा है। ठीक है, और एग्जांपल देखते हैं। लेट से ये एक लाइन बनी हुई है, एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, लेट से कि ये एक पॉइंट है, ऐसे ही वो रफ बना रहा हूं मैं ग्राफ, स्केल के साथ नहीं बना रहा, तो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लाइन कर देते हैं। ये पॉइंट है 1.5 और ये पॉइंट है 2.9, किसी को भी एक ए पॉइंट दे दो, किसी को भी बी पॉइंट का नाम दे दो। ए अगर 1.5 है तो इसको कर देते हैं x1, y1, और अगर बी जो है ना वो 2.9 है तो इसको कर देते हैं x2, y2। एम कितना होगा, y2 - y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। एम कितना आएगा, y2 9 - y1 5 डिवाइडेड बाय x2 2 - x1 1, तो यह आता है 4/1 विच इज 4। क्या बताता है ग्रेडियंट, ग्रेडियंट ये बताता है कि अगर x एक से चेंज होगा तो y कितने से चेंज होगा, और ऐसा ही हो रहा है। देखो लाइन पर एक पॉइंट है आपका 1.5 और एक और पॉइंट आपका है 2.9। अगर x की वैल्यू 1 से 2 पर जा रही है तो एक का चेंज है, तो y की वैल्यू कहां जा रही है, 5 से 9 पर, कितने का चेंज है, 4 का चेंज है। अगर कोई तुमसे ये पूछ लेता कि ये एक सी पॉइंट है 3, वो समथिंग बताओ, यानी कि वाई की वैल्यू कितनी होगी, अगर एक्स थ्री है तो वाई कितना होगा, तो तुम्हें ये मालूम है कि मेरा ग्रेडियंट जो आया वो 4 आया इस लाइन का, विच मीन्स कि अगर एक्स एक से चेंज होगा तो वाई 4 से चेंज होगा, विच मीन्स कि यार अगर मैं बी से सी पर जाऊंगा और एक्स एक से चेंज होगा, अगर एक्स 2 से 3 पर जाएगा तो वाई 9 से 9 + 4 = 13 पर जाएगा, यानी कि ये पॉइंट होगा C 3.13। ठीक है, ग्रेडियंट क्या बताता है, ग्रेडियंट बताता है कि अगर x एक से चेंज हुआ, अगर x एक से चेंज हुआ तो y कितने से चेंज होगा, ये मुझे मेरा ग्रेडियंट बताता है। ठीक है, तो होपफुली ये बातें कुछ हद तक क्लियर है। चलो और आगे चलते हैं भाई। अच्छा, अब लेट से कि मेरे पास दो लाइंस हैं और वो दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइन वन है, ये लाइन टू है, और सवाल ये कहता है कि लाइन वन एंड लाइन टू आर पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस का क्या मतलब है, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जो कभी भी मीट नहीं करेंगी। ये दोनों लाइंस पैरेलल है सर, नहीं, लेकिन ये दोनों लाइंस
पैरेलल है, अगर ये एक दूसरे से कभी भी मीट नहीं करेंगी, मिलेंगी नहीं। दूसरी चीज, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, जो फर्क होगा, फासला होगा, फॉर एग्जाम्पल ये 6 फिट का फासला है तो हमेशा ये 6 फिट का फासला होगा। डिस्टेंस सेम होगा दोनों के बीच में हमेशा, जिस तरह से एक ट्रेन की पटरी है, तो ये और ये दोनों पैरेलल है, ठीक है। अब पैरेलल लाइंस की प्रॉपर्टी क्या है, अगर फॉर एग्जांपल लाइन वन का, अगर फॉर एग्जांपल लाइन वन का जो ग्रेडियंट है वो कोई कहता है कि 4, अगर कोई कहता है कि लाइन वन का ग्रेडियंट जो है ना वो 4 है, एम वन जो है वो 4 है, लाइन वन का ग्रेडियंट 4 है, और वो ये भी कह देता है कि लाइन वन एंड लाइन टू आर पैरेलल लाइंस, तो लाइन टू का ग्रेडियंट भी 4 होगा, यानी कि इफ टू लाइंस आर पैरेलल दोनों का ग्रेडियंट एक दूसरे के इक्वल होता है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल दोनों का ग्रेडियंट एक दूसरे के इक्वल होता। इसी तरह से एक और लाइन कहलाती है परपेंडिकुलर लाइन, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया, एक लाइन यू है और दूसरी लाइन यू है, और इन दोनों के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल है, 90 डिग्रीज का एंगल है, तो ये दोनों लाइंस यानी कि लाइन वन और लाइन टू पैरेलल लाइंस कहलाएंगी। इनके ग्रेडियंट में क्या प्रॉपर्टी होगी, अगर इसका एक ग्रेडियंट है m1 और इसका एक ग्रेडियंट है m2, तो प्रॉपर्टी होगी कि अगर लाइन वन एंड लाइन टू आर परपेंडिकुलर लाइंस, और परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं, वो दो लाइंस इन दोनों के बीच में 90 डिग्रीज का एंगल हो, तो m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 इज इक्वल्स टू -1। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई कहता है कि लाइन ये जो 2 है इसका ग्रेडियंट है 4, और कोई बोलता है लाइन 1 का ग्रेडियंट बताओ, और वो कह देता है कि दोनों लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस हैं, यानी कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, मल्टीप्लाई या प्लस का निशान जिस तरह से होता है इतना एंगल है, तो आप लिखोगे m1 मल्टीप्लाइड बाई m2 इज इक्वल्स टू -1, m1 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल्स टू -1, m1 इज इक्वल्स टू -1/4, यानी कि ये जो लाइन होगी इसका जो ग्रेडियंट होगा वो होगा -1/4। ठीक है भाई, तो अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को मजीद कवर करते हैं अगले लेक्चर में। बहुत शुक्रिया।